Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली सेकंड लेक्चर होने वाला है बिजनेस लॉ की सीरीज में. और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे वो एक छोटा सा टॉपिक ही कम पढ़ रहे होंगे. बेसिकली ये आपको अगर इसकी बात करें तो ये आपको मेनली मेमोराइज ही करना पड़ेगा जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात कर रहे होते हैं. तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो कानून बनता है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं, तो वो सब हम देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को. गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके. शुक्रिया. आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ. सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ लॉ के नीचे जो थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो हम देख लेते हैं. द लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द सोसाइटी. अब वो कह रहे हैं कि भाई जो लॉ है वो जो लॉ के रूल्स होते हैं वो लॉ के अंदर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, लॉ बना होता है रूल से जो रेगुलेट करता है किसके कंडक्ट को, इंडिविजुअल्स के, बिजनेसेस के एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विद इन सोसाइटी. इन अदर वर्ड्स कि वे पूरी सोसाइटी को जो आपका लॉ होता है वो जो है चलना सिखा रहा होता है किस तरह आपने एक सोसाइटी में रहना है और इस सोसाइटी में आपने क्या क्या करना है. The legal system is derived from an English common law equity and is based on the Constitution of Pakistan 1973 as well as Islamic law Sharia. Thus, we can say that in Pakistan, the main sources of law are following. अच्छा देखिए अंग्रेजों से हमने वैसे तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन जो है हमने अंग्रेजों से कानून भी लिया. पाकिस्तान ने काफी कोशिशें की अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, लेकिन वो जाके एट द एंड बना था 1973 में, और उसमें भी जो आपका एक मेजर जंग था वो जो है आपका ब्रिटिश लॉ से लिया गया था. और उसमें जो है फिर वो जो चीज़ ऐड की गई थी वो ऐड की गई थी इस्लामिक लॉ शरिया. मतलब अब वो जो अंग्रेज़ों का कानून है वो वैसे तो ठीक है, लेकिन मतलब उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें वो चीज़ ऐड की गई थी जिसे इस्लामिक लॉ शरिया कहा जाता है. अब जो है ना अब हम सिंपली मूव ऑन करेंगे कि जो है इसमें सोर्सेज कौन कौन सी हैं आपके सोर्सेज ऑफ लॉ पाकिस्तान में. सबसे पहले लेजिस्लेशन. अगर इसको हम आगे पढ़ने से पहले इन सिंपल वर्ड्स कह लें, लेजिस्लेशन वो सोर्स ऑफ लॉ है कि भाई जैसे पार्लियामेंट कानून बनाती है या कोई भी ऐसी बॉडी है जिसे डेजिग्नेट किया गया है, जिसे ये पावर दी गई है कि वो उस हद तक कानून बना सकती है, तो इसमें वो सब फॉल कर जाता है. भाई पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है वो, और उसके अलावा जिन्हें आगे डेजिग्नेट किया गया है. तो इन अदर वर्ड्स हर वो बंदा जो किसी ना किसी तरह कानून बना सकता है तो वो इस हेड के अंदर फॉल कर रहा होगा. जैसे कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. लेजिस्लेशन इट इज़ द लॉ क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट एंड अदर बॉडीज टू होम इट हैज़ डेलीगेटेड अथॉरिटी. It includes the Act of Parliament, the Ordinance promulgated by the President of Pakistan and the delegated legislations. अच्छा ये अगर हम देखें तो यहाँ तक इसकी जो है ना ये explanation है कि भाई ये जो law created by the Parliament and other bodies. अच्छा अगर हम यहाँ तक देख लें तो ये तो इसकी explanation है, वही जो मैंने भी आपको बताया कि भाई ये जो है लेजिस्लेशन के बेसिक अगर हम चले जाएं तो इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट और अदर बॉडीज इनके पास अथॉरिटी है कि वो बना सकते हैं लॉस, तो वो सब लेजिस्लेशन में आ जाता है. जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं. इट इंक्लूड्स द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेजिडेंट. अच्छा अब जो प्रेजिडेंट होता है वो जो है ना वो फॉर द टाइम बींग एक लॉ बना सकता है, उसे जो है ना ऑर्डिनेंस कहते हैं. मतलब वो ये होता है वो पार्लियामेंट से अप्रूव होकर नहीं आ रहा होता, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट बना रहा होता है लेकिन बाद में उसके लिए जो है अप्रूवल लाजमी होता है पार्लियामेंट के थ्रू,
तो वो जो है वो एक अलहदा स्टोरी है जो हम आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपली ये समझ लें कि भाई प्रेजेंट भी लॉ बना सकता है, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और अदर जो है एंड अदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के भाई वजह से सर्टेन डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें किसी हद तक अलाउ किया जाता है कि भाई आप इस एरिया में इतना इतना काम कर सकते हैं, इतना आप जो है ना खुद कानून बना सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। दूसरी अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आगे जो है ना अभी हम काफी डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये है क्या बेसिकली, जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना, इसके आगे लिखा भी हुआ है केस लॉ, इसका जो पर्पज होता है ना वो ये होता है कि जैसे अब एक आपका कोई भी केस आता है ना कि भाई एक एक कानून एक केस आया आपका जो है ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ना, अब वो कोर्ट वो जब आया पूरा उसके ऊपर ना कार्रवाई हुई उसके ऊपर और एक फैसला दे दिया गया। अब क्या होता है कि वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं ना वो पहली डेट से लेकर जब तक फैसला सुनाया जाता है वो सब की सब महफूज रखी जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस वो जो है ना फेंक दी जाती हैं, ऐसा नहीं है, वो केस स्टडीज़ होती हैं तो वो सब जो है ना महफूज रखी जाती हैं। तो अब वो जो है बिल्कुल जब उसी उसी सिमिलर नेचर का केस आता है तो वो जो है उन पुराने केसेस को देखा जाता है। अच्छा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है सुपीरियर कोर्ट, सही है। अब मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आ जाते हैं हाई कोर्ट, फिर आगे सेशन कोर्ट्स, तो वो सब जो है ना वो सब मतलब जितना ऊपर वाला जो ऊपर वाला कोर्ट होगा उससे उसने जो फैसला सुनाया होगा वो नीचे वाले कोर्ट के लिए बाइंडिंग हो जाएगा। मतलब जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया किसी एक केस में, अब बिल्कुल एक सेम नेचर का केस आ जाता है आपके पास हाई कोर्ट के पास, तो अब हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, वैसे ही एक जजमेंट देगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है ना निगलेक्ट कर देगा करंट केस को, वो तो नीचे पूरी तरह जो है ना मतलब वो मैच कर रही होगी उस केस के साथ, तो फिर वो उसी तरह प्रोसीडिंग्स लेके चलेंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट लेके चला था। यहाँ पे इसी वजह से इसे जो है ना वो सोर्स ऑफ लॉ कहा जाता है, ठीक है जी, ये भी इंक्लूडेड है आपका। फिर हम आ जाते हैं नंबर 3 पे, कस्टम्स। अच्छा जी, अब देखें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अब हमारे कस्टम्स, इंडिया के कस्टम्स और जो है आपके बांग्लादेश और जो है यूके और जो है यूएसए, इन सबके कस्टम्स एक तो नहीं है, हर कंट्री के अपने कस्टम्स होते हैं। तो अब उन कस्टम्स को मद्देनजर रखते हुए, उन कस्टम्स को सामने रखते हुए भी कानून बनाया जाता है। मतलब अब जैसे जो है ना यहाँ पे हेलोवीन के लिए, मतलब जो पाकिस्तान में आजकल काफी फेमस हो रहा है, मैं जैसे वो एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो यूएसए में और यूके वगैरह में वो काफी फेमस था ना, तो वहां पे तो एक बिल्कुल एक जैसे ना वो एक त्यौहार की तरह जो है ना मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, उसके बारे में कोई कानून नहीं है, वहाँ पे लाजमी बात है वो जो है एज अ रिचुअल मनाया जाता है, तो वहाँ पे तो उसके लिए प्रॉपर लॉज होंगे कि भाई उसकी पार्टीज अरेंज होती हैं और वो सब। लेकिन यहाँ पे मतलब वो कस्टम नहीं है, एक वहाँ का वो कस्टम है, यहाँ का वो कस्टम नहीं है। तो जब एक चीज़ कस्टम में आ जाती है ना उसके लिए फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुहर्रम का टाइम चल रहा है, तो अब जैसे जुलूस वगैरह निकलते हैं, अब ये हमारे कस्टम का एक हिस्सा है, मतलब ये हमारे मुल्क का एक कस्टम का हिस्सा है, तो इस वजह से उसके लिए लेजिस्लेशन है सेपरेटली कि भाई जो है ये सिक्योरिटी डिटेलिंग होगी और ये सब होगी, तो वो स्पेशली उनके लिए जैसे अगर मतलब वीक डेज हैं तो ऑफ भी मिलता है। तो मतलब क्या है कि वो कस्टम्स को देखकर आपकी छुट्टियां भी अनाउंस हो रही हैं कि भाई ये हमारे मुल्क में एक कस्टम है, ये हमारे मुल्क में एक जो रिलीजियस डे है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इस दिन छुट्टी करेंगे। तो मतलब एक सोसाइटी का जो माहौल होता है, एक मुल्क का जो माहौल होता है, वो भी असरअंदाज कर रहा होता है कि आपके कानून कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हराम चीज़ें, अब पाकिस्तान में कोई ये तो नहीं खड़ा होकर कह सकता कि मैं जो है ना हराम चीज़ों को हलाल करवाऊंगा और जो है मैं सरेआम जो है ना उनकी सेल करवाऊंगा, तो कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कस्टम्स के खिलाफ है, वो हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके खिलाफ है। तो जो भी लॉ बनेगा, कोई भी लॉ बनेगा, वो हमेशा सबसे पहले उन्हें भी देखा जाएगा, ऐसे नहीं कि उन्हें नजरअंदाज करके बनाया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले कर रहे होते हैं जब आप जो है ना बात करते हैं सोर्स ऑफ लॉ के ऊपर।
ठीक है जी। अब हमारा नंबर फोर्थ है, नंबर फोर्थ हमारा क्या है, एग्रीमेंट। पार्टीज इन दियर एग्रीमेंट स्टिपुलेट टर्म्स फॉर देमसेल्व्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट लॉ फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप जो है ना एक बिजनेस एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं जो है ना, अच्छा बिजनेस एग्रीमेंट छोड़े हैं, लोन एग्रीमेंट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, उससे जो है ना मतलब जो है ना 50-60 हज़ार रुपये चाहिए। आपने कहा ठीक है भाई मैं जो है ना 50,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे जो है ना विद इन 6 मंथ्स चाहिए। अगर जो है तुमने विद इन 6 मंथ मुझे नहीं दिए तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना मैं तुम्हारी वो बाइक ले जाऊंगा। मतलब अगर तुमने विद इन 6 मंथ्स मुझे पैसे नहीं दिए और उसने कह दिया हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्री होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया वो नहीं नहीं कर रहे और आपने ये तो उसे क्या कहते हैं लॉ बन गया है भाई क्योंकि मैंने कह दिया। ऐसे नहीं है कि वो पहले उन पार्टीज को एग्रीमेंट भी होना चाहिए, मतलब वो दोनों जो है ना एग्री होनी चाहिए जो भी आप जो है ना डिसाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जब आपने वो एक उसके साथ बात कर ली कि भाई मैं जो है आपकी बाइक ले जाऊंगा, अगर आपने विद इन 6 मंथ जो है मुझे वो नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, तो अब जो है ना अगर वो 6 मंथ्स के अंदर पैसे नहीं देता और आप जो है ना उसकी बाइक ले जाते हैं, वो किसी भी कोर्ट में जाके केस करेगा। जब आप पूरी कहानी बताएंगे, अप्रूव भी होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं है प्रूफ बिल्कुल ही नहीं है आपके पास और जो है ना आप बाइक उठा के ले जाते हैं, तो वो जब केस बनेगा, तो जब केस बनता है तो सबसे पहले कहते हैं प्रूफ, तो प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि हाँ भाई ये बात है, इस तरह बात हुई थी। तो जो है अगर आप ले जाते हैं, कानून जो है ना कानून कहेगा कि भाई वो बाइक किस वजह से आपकी लेके गया है, तो भाई आपने उसके पैसे देने थे और आप लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था, आपने आप दोनों ने मिल के एक चीज़ डिसाइड की थी कि अगर आप 6 मंथ्स के अंदर पैसे नहीं देते तो बाइक लेके जा सकता है, तो हम इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। उसने बिल्कुल जो उसका राइट बनता था उसने बिल्कुल वही काम किया, तो ये क्या हो गया कि वो अब देखें वो कोई गवर्नमेंट ने तो कानून नहीं बनाया था कि भाई अगर जो है ना ये जो है ना इतने 6 महीने में पैसे नहीं देगा तो इसका जो है ना बाइक आप ले जाएंगे, हुकूमत की तरफ से तो कोई कानून नहीं था। वो तो आपस में एक चीज आपने एग्री कर ली, एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये इस तरह है और ये इस तरह है, लेकिन वो क्या हो गया, वो भी एक जो है कानून का हिस्सा बन गया। इसी वजह से इसे क्या कहा जा रहा है, पार्टीज इन देयर एग्रीमेंट स्टिपुलेट टर्म्स फॉर देमसेल्व्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट लॉ फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। वो किसके लिए बन जाता है, वो जो दो पार्टीज जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया उन दोनों के लिए वो एक लॉ की शक्ल बन जाता है। ठीक है जी, आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत बेसिक सा टॉपिक था, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।